दोस्तों आपसे ठीक एक साल पहले है ना यार, मैंने विंडोज कीज के ऊपर चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कितने टाइप की विंडोज कीज होती हैं, OEM, रिटेल, MSDN, वॉल्यूम बेस्ड कीज, मतलब उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कौन कौन सी कीज के, और आप कैसे सस्ते एकदम प्राइस में ना विंडोज कीज को जेन्युइन तरीके से खरीद सकते हैं, और इवन खरीदने के बाद आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो उनसे टाइप की आपको की रिसीव हुई है क्या वो वही की है जो आपने बाय करी थी, या फिर अगर आपके पीसी में मतलब जो आपने बाय कर रखा है, जो आपने लैपटॉप बाय कर रखा है वो ऑलरेडी उसमें ओरिजिनल विंडो आई थी, आप चेक करना चाहते हैं लेकिन आज के टाइम में भाई उस की का सीरियल नंबर क्या है या फिर वो कौन से टाइप की है, मतलब इन सभी सवालों का जवाब है ना आपको उस वीडियो में मिल गया था, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई और काफ़ी सारे लोगों को वीडियो पसंद नहीं भी आई। अब ये जिन जिनको वीडियोस पसंद नहीं आई ना, उसका सिंपल सा लॉजिक है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और साथ ही में क्या ये जो कीज आज के टाइम में मार्केट में मिल रही है ना एकदम सस्ते से प्राइस में 1500 रुपये में, ऑब्वियस है ऐसे में ये क्वेश्चन माइंड में यार आता है कि मतलब जो कीज़ माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में मतलब 14,000 या 9,000 रुपये के आसपास की मिल रही है, वो कैसे ये 800,000 रुपये में सेल आउट कर रहे हैं, तो ऐसे में यार मतलब जो ये पूरा का पूरा स्कैम है ना, क्या ये स्कैम है भी नहीं, वो सब मैं आपको यार इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में है ना इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके माइंड में है ना कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहने वाला, आपके सभी सवालों को जो आप इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप भी अपने लिए एक जेन्युइन विंडो की ढूंढ रहे हैं सस्ते प्राइस में, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अपना मन बदल लें। और हाँ यार, इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ भाई, कुछ वेबसाइट्स है ना, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी विंडोज की ऊपर जो मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, एक साल पहले, वो काफ़ी ज़्यादा रैंक कर रखी है चैनल यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को है ना कुछ फेक वेबसाइट्स है ना यार गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं, जिसका भाई भांडा है ना मैं इस वीडियो के थ्रू फोड़ने वाला हूँ। सबका यार मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि मतलब यार कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए चैनल पर वीडियो पर, तो लेकिन हाँ भाई मैं इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देते चले जाऊंगा, तो थोड़ा केयरफुली इस वीडियो को देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और हाँ यार, इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद है ना मैं हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं @geekyrishabh, वहाँ पर एक स्टोरी डालने वाला हूँ, वहाँ पर भाई मैं बता सकता हूँ क्लियरली कि कौन सी वेबसाइट है जो फेक है, जिसने हमारा जो वीडियो को है ना मतलब गलत तरीके से यूज़ करा है, मतलब थोड़ी स्टोरी आपको आगे पता लग जाएगी, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे ना देखने के बाद तो इसको लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी जो ये कंसेप्ट है ना या जो स्कैम वगैरह जो चल रहा है, काफ़ी सारे इवन क्रिएटर्स हैं ना जो यूट्यूब क्रिएटर्स भाई, वो भी आज के टाइम में ना काफ़ी दबा दबा के कुछ वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ तो मेंशन कर देते हैं कि वो पेड प्रमोशन है, कुछ मेंशन नहीं भी करते, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर आज के टाइम में भाई हम गूगल पर सिर्फ इतना सर्च करें ना चीप विंडोज 10 कीज, तो यार मतलब काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स निकल करके आ जाएंगी हमारे सामने जो 1000-1200 रुपये में ना OEM की या रिटेल विंडोज 10 की जो है वो सेल कर रही हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन ये निकल करके आता है भाई क्या माइक्रोसॉफ्ट को इन वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता, जब यार हम मतलब इतनी आसानी से देख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट को इसके बारे में पता ही होगा कि ये जो वेबसाइट्स है इतने सस्ते में जो कीज़ है ना सेल कर रही हैं। अब ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, अगर उन्हें पता है और उन्हें ये भी पता है कि ये जो कीज़ हैं ये फेक हैं, तो क्यों वो इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही हैं, या वो एक्शन लेना चाह रही हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, या कुछ मतलब पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन ओनर है इस वेबसाइट का, कुछ ऐसा सिनेरियो उनके सामने निकल करके आ रहा है, कुछ मतलब इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो पकड़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो भाई ये दो क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। कुछ इवन क्रिएटर्स ये कह रहे हैं वीडियोस में कि भाई हो सकता है ये माइक्रोसॉफ्ट की है ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, वो चाहते हो कि उनके प्रोडक्ट की है ना लोगों को हैबिट पड़ जाए, तब ये ऑब्वियस है कुछ पायरेटेड विंडोज़ की वर्जन भी है ना काफ़ी ईजिली आज के टाइम में मतलब वेबसाइट्स में अवेलेबल है। भाई इसके बारे में मैं कुछ दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस वगैरह नहीं है, बट हाँ यार आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना एक्चुअली में क्या क्या सिनेरियोज निकल करके आ सकते हैं, मतलब आपको क्या लगता है क्या माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि सस्ती जो कीज़ हैं बिके, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो इसके थ्रू इनडायरेक्टली तरीके से, क्या लगता है आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना। अब भाई बात करते हैं सबसे पहले एक उस फेक वेबसाइट के बारे में जो यार हमारी फेस वैल्यू हमारे चैनल की, मेरा जो नेम है ना वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एकदम फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। भाई उस फेक वेबसाइट का जो नाम है ना वो तो यार मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में तो DM करके पूछ लेना, फॉलो कर लेना भाई वहाँ पर, और मैं वहाँ पर स्टोरी तो डाल ही दूंगा इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद में, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया किस कारण से यार मतलब मैं उसका नाम नहीं ले सकता, हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह वो लगा दे बंदा, बट मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है भाई उसकी वेबसाइट की, ये वेबसाइट वाला जो भी ओनर है ना भाई, जो भी भाई है या बहन है, मतलब ये दावा कर रहा है भाई कि मैंने इसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, और मतलब इसने इवन जो मेरी वीडियो का लिंक है ना उस वीडियो को पता नहीं किस तरीके से पहले तो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, क्या कर रखा है, मैंने उसकी एम्बेडिंग का जो ऑप्शन है ना वो बंद कर रखा, तो वो मेरी वीडियो एम्बेड को नहीं कर सकता, बट उसने शायद अपने चैनल पर पहले अपलोड करी, आप जाकर के देखेंगे उसकी वेबसाइट में, हो सकता है जब तक ये वीडियो देखे तो वो इस वीडियो को अपनी इस वेबसाइट से चीज़ को हटा भी ले, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं।
ये बंदा ये दावा कर रहा है कि मैंने इसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है। बट यार मैं आपको बता दूं भाई, आज तक है ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी वेबसाइट के साथ है ना, ऐसी विंडोज़ कीज फेक वेबसाइट के साथ में भाई कोई पार्टनरशिप नहीं करी है। अगर करी होती ना तो यार आपको हमारे चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती, हमारे किसी सोशल मीडिया हैंडल पर ऑफिशियल सोर्सेज में है ना एक इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाती। तो मैं आपको बता दूंगा इस फेक वेबसाइट से बचकर रहिए। इसका जो नाम है आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, मुझे डीएम करके पूछ लेना। इसके जैसी काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स हो सकती हैं, तो हमारे किसी व्यूअर ने बताया भाई एक दो, जब मुझे पता लगा तभी मैंने तुरंत भाई ये वीडियो बना दी। तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ऐसी कौन कौन सी फेक वेबसाइट्स हैं जो हम क्रिएटर्स की फेस वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को, गुडविल को यूज़ करके है ना आप लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये तो कोई एक बात, इन फेक वेबसाइट से थोड़ा सावधान रहिए और अपना खुद का है ना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करिए जब भी आप इस तरीके से किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, इस वेबसाइट का जो नेम है ना, जो आज से पहले मैंने एक साल पहले वीडियो बनाई थी ना विंडोज़ कीज़ के ऊपर, उस वेबसाइट का जो नेम था ना उसी से मिलता जुलता नेम इसने बना रखा है। मतलब इसने नेम के आगे ना एस वगैरह लगा दिया, हिंट दे दिया, आप समझ गए होंगे। तो लेकिन भाई कुछ व्यूअर्स बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको मतलब इतना शायद नॉलेज नहीं रहती है, वो इतना ध्यान नहीं देते, वो इनके झांसे में फंस जाते हैं और उनको ऐसा लगता है भाई हम क्रिएटर्स उनको चीट कर रहे हैं। बट यार हम कोई सा भी क्रिएटर होगा ना यार अपनी ऑडियंस को आई थिंक चीट करने का कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से भाई वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है हम क्यों चाहेंगे यार आपकी आपके साथ मतलब कुछ स्कैम वगैरह करना। अगर ऐसा हम करेंगे तो ऑब्वियस है आप लोग हमारी वीडियोज़ को दोबारा क्यों ही देखेंगे यार। तो थोड़ा सा समझने की ना इस चीज़ को भी कोशिश किया करो। और हाँ यार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, इवन काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं भाई जो तो दबा के है ना कुछ वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ तो भाई लगा देते हैं पेड प्रमोशन, तो वो तो ठीक है भाई पेड प्रमोशन है तो यार आप समझ जाया करो पेड प्रमोशन है, तो मतलब वो बंदा इनडायरेक्टली बता रहा है आपको, एक हिंट दे रहा है कि मत न लो, जब भी पेड प्रमोशन का बैनर शायद वो लगा रहा होगा या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी इसलिए लगा रहा होगा। बट ये समझदार तो एंड में आपको ही बनना पड़ेगा, हम लोग तो आपको सिर्फ एक हिंट दे सकते हैं, क्लियरली हम कोई दावा यार पब्लिक प्लेस पर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है भाई हमारे अगेंस्ट ही कुछ मतलब दिक्कत आ जाए। आज का टाइम आपको पता है कैसे चल रहा है मार्केट में, और कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े क्रिएटर्स हैं यार, उनको देख के मैं खुद इवन इन्फ्लुएंस हो गया था कि मतलब यार ये जो विंडोज़ की चीज़ें क्या सच में जेन्युइन होती है इन वेबसाइट्स की। और उन्हीं को देख करके ना मैंने एक साल पहले यार एक वेबसाइट को भाई प्रमोट कर दिया, प्रमोट भी किया मतलब मैं ये बोलूँगा रिकमेंड कर दिया अपनी ऑडियंस को। वो कोई पेड वीडियो वगैरह नहीं थी यार, मैं आपको बता देता हूँ पूरा केस जो था भाई, एक वेबसाइट थी मतलब उनसे मुझे जस्ट एक की रिसीव हुई थी, उस की को मैंने अपने इसी लैपटॉप में है ना जो कि आसूस का रोग सीरीज का लैपटॉप है इसमें डाल करके देखा, वो एक रिटेल की थी और वो वर्क कर गई ठीक है। फिर मैंने अपने कुछ और फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह को भी उस वेबसाइट के बारे में बताया, जिनको भी कीज लेनी थी, ऑब्वियसली 14,000 की कीज़ काफ़ी सारे लोग भाई नहीं अफोर्ड कर पाते, जो यार लैपटॉप भी 20,000 का 25,000 का चला रहे हैं, वो 14-15,000 की कीज़ कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे में उन फ्रेंड्स को मैंने उस वेबसाइट के बारे में बताया, उन्होंने भी वहाँ से बाय करी, उनको भी इवन कोई इशू नहीं आया। और इवन मैं आपको बता दूं भाई वो की है ना आज भी मेरे इसी लैपटॉप में भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, बट अभी भी वो की है ना एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे में यार इस बारे में तो कहना गलत होगा कि वो की फेक थी, यार की है ना अगर विंडो में लग रही है तो ऑब्वियस है कीज तो जेन्युइन ही हुई ना यार। अब माइक्रोसॉफ्ट किसी तरीके से उसको 2-3 साल बाद बंद कर दे ये बोल करके कि भाई जो आपने की खरीदी थी वो लेजिट नहीं है, तो यार वो मेरे को लगता है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि भाई हमने तो गुड फेट में किसी से खरीदी है, हमें क्या पता है मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं वो कि भाई चुरा करके लेकर के आया है या ग्रे मार्केट से लेकर के आया है, मतलब बल्क में खरीदी है, क्या सीन है। काफ़ी सारे इसके मतलब क्रिएटर्स ने अलग अलग रीजन बता रखे हैं कि कैसे वो इतनी चीप में सेल कर रहे हैं, बट वो सारे रीजन है ना मतलब यार मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे कि वो रीज़न सही है, और हम यार अच्छे से पता भी नहीं लगा सकते भाई जो सेलर है ना उसने एक्चुअली में वो बल्क में खरीदी है ग्रे मार्केट से या किसी के क्रेडिट कार्ड से चोरी करी है, ना तो हम ये अच्छे से पता लगा सकते हैं ना ही हमें पता लगाने से कोई बेनिफिट मिलने वाला है। बस ऐसे में सवाल एक यही उठता है कि क्या ये एक लूप होल है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसकी वजह से जो आम जनता है ना आप जैसे जो व्यूअर्स हैं या इवन हम क्रिएटर्स भी है ना इन जो सेलर्स हैं जो ये वेबसाइट्स वाले हैं इनके जाल में फंस जाते हैं, और इनडायरेक्टली ये सेलर्स ये वेबसाइट्स वाले हमारा यूज़ करके आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं। जैसे हमारी तो गुडविल हमारी तो मार्केट वैल्यू मार्केट में ख़राब होती है, साथ ही साथ आप लोगों के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, और एंड में मतलब ब्लेम सारा हम जैसे मतलब भोले भाले क्रिएटर्स पर आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अब भाई किसी भी वेबसाइट से है ना भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर लेते हो ना मतलब कीज़ बाय करते हो तो यार अपने दम पे करना भाई, मतलब मैं तो इवन उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और इवन उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ना मेंशन कर दिया था, एक्चुअली यार दिक्कत जब भाई मैंने उस वेबसाइट के बारे में उस वीडियो में बता दिया, बट एक महीने बाद वो वेबसाइट गायब हो गई, गायब इन द सेंस मतलब वहाँ पर
जो विंडो की वाली वेबसाइट थी ना वो उसने ये मतलब वेबसाइट जब हम उसकी खोलते तो ये लिखा था दिस वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। तो मैंने सोचा भाई चलो कोई नहीं मेंटेनेंस में चल रही होगी, दो तीन दिन बाद आ जाएगी, बट वो वापस ही नहीं आई। और शैला को जब मैंने ईमेल करा, मतलब जो उनकी वेबसाइट में ईमेल आईडी उनकी मेंशन थी, मैंने उनसे ईमेल करके पूछा भाई वेबसाइट कहाँ है, तो वो बाद में बोलने लगे सर कोई इशू हो गया इसलिए हमने सेकंड वेबसाइट शिफ्ट कर ली। और भाई आज मैं जब उनकी सेकंड वेबसाइट भी चलाता हूँ ना तो वो वेबसाइट भी गायब है और यही दिखा रहा है दिस वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। हो सकता है दो चार दिन बाद वो वेबसाइट भी गायब हो जाए या किसी और को वो डोमेन सेल करके चले जाएँ। जो फर्स्ट वेबसाइट मैंने बताई थी अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो मतलब उसका डोमेन जो वो मतलब आई थिंक उन्होंने वो डोमेन किसी और को सेल कर दिया। अब उसमें कुछ चीज़ वगैरह सेल तो नहीं हो रही, बट कुछ मतलब आई थिंक किसी और कंट्री की उसमें लैंग्वेज वगैरह लिखी आती है, तो इतना मुझे यार याद नहीं है। आप जाकर के चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। आप इन वेबसाइट से है ना मैं बोलूँगा आप कीज़ मत ना खरीदिए, अगर खरीदते हैं ना तो ये सोच करके खरीदिए अगर आप 14-15 जाकर के कीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है भाई कोई बहुत ही बड़ा क्रिएटर है वो एकदम मतलब गारंटी से बोल रहा है कि भाई ये वेबसाइट है मैंने यहाँ से खरीदी है और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने भी खरीदी है उसके और वो चल रही है, देन आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। रिस्क तो रहेगा ही रहेगा कि जब भैया माइक्रोसॉफ्ट जिस जो ओनर है ना इन कीज़ का वही भाई ऐसी हरकतें कर देता है कि दो तीन साल बाद वो कीज़ लेजिट नहीं है, ये रीज़न देकर के कीज़ ही मतलब हमारी चलनी बंद हो जाती है हमारे प्रोडक्ट पे, तो ऐसे में यार हम क्या ही कर सकते हैं। और एट द एंड मतलब जो सेलर्स होते हैं जो ऐसी वेबसाइट जो फ्रॉड कर रही होती है ना उनको बेनिफिट मिल जाता है भाई, वो हमारी जेब से पैसे खींच करके और आप जैसी आम जनता के पैसे खींच करके चले जाते हैं। अब यार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने जब फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कोई एक वेबसाइट को प्रमोट किया ना तो मुझे उस समय इतना नहीं पता था इस स्कैम के बारे में, और मुझे मतलब लग रहा था कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं और इवन उसने मुझे दी ना जब, तो मतलब मुझे लगा कि भाई जेन्युइन वेबसाइट है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इवन उस वीडियो को अपलोड करने के बाद भाई एक महीने के अंदर अंदर ना हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने भी वहाँ से कीज़ खरीद ली। अब एक काफ़ी सारे व्यूअर्स जिन्होंने भी कीज़ खरीदना, मैं आपको बता दूँ सबकी कीज़ है ना आज के टाइम में वर्क कर रही है, क्योंकि किसी की मेरे साथ पास है ना फीडबैक नहीं आई कि उसकी की आज के टाइम में चलनी बंद हो गई, मतलब एक डेढ़ साल से उनकी की चल रही है, क्योंकि एक महीने बाद तो विंडो की वो वेबसाइट ही बंद हो गई थी, तो एक महीने तक जिन्होंने खरीद पाया होगा ना थोड़े बहुत व्यूअर्स ने उन्होंने खरीदी होगी। एक दो जिन्होंने खरीदी थी उनका उसी दिन मतलब ईमेल आ गया था कि सर हमारे साथ स्कैम हो गया, आपका भरोसा करके आपके पर भरोसा करके आप पर ट्रस्ट करके हमने वो वेबसाइट से विंडो की जो है खरीद ली, बट अब वो नहीं चल रही है, बताइए क्या करें। तो ऐसे में ऑब्वियस है मैं अपने व्यूअर्स का नुकसान बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस वेबसाइट वाले के ऊपर। मैंने उसको भी डायरेक्टली ईमेल करें, हो सकता है तो मैं आपके ईमेल के दूसरा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ उस टाइम पीरियड के, पूरा पूरा तरीके आपको है ना थोड़ा क्लियरिटी समझ आ जाए। मैं चाहता हूँ आपके और हमारे बीच ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी इस तरीके से। तो यार मैंने मतलब उस सेलर को स्ट्रिक्टली बोल दिया भाई या तो आप इनके रिफंड कर दीजिए या फिर आप इनकी कीज़ को रिप्लेस करिए या फिर उसी की को चला करके दीजिए। तो भाई ऐसे में एक दिक्कत यार ये भी निकल करके आई, जिन्हों की कीज़ नहीं चल रही थी ना या तो गलत तरीके से अप्लाई कर रहे थे, मतलब पायरेटेड विंडोज़ में यार वो जेन्युइन कीज़ अप्लाई कर रहे थे या किसी और गलत तरीके से अप्लाई कर रहे थे जिनमें मतलब ऑब्वियस है व्यूअर्स की गलती थी। लेकिन भाई कुछ केस में ऐसा हुआ जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने व्यूअर्स को इंस्टाग्राम में डीएम करके गाइड किया और एकदम सही तरीके से है ना उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आप देख सकते हैं हम एकदम सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल अभी भी जो विंडो की है ना वो एक्टिवेट नहीं हो रही है। तो उस केस में भी मुझे समझ में आ गया, मेरी आँखें खुल गई भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला यहाँ पर चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई उस केस में मैंने सेलर को बोला स्ट्रिक्टली कि इनकी या तो रिप्लेसमेंट दीजिए या फिर रिफंड दीजिए, मतलब जो भी है कर दीजिए, अदरवाइज मैं या तो उस वीडियो को टेक डाउन कर दूंगा या एक सेकंड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपका जो ये स्कैम कर रहा है ना उसको रिवील कर दूंगा। तो भाई उनको पता नहीं अब उनको क्या लगा या वो सच में भाई फेक नहीं था इसके बारे में मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, बट हाँ भाई एट द एंड हमारे किसी भी व्यूअर को है ना आई थिंक नुकसान नहीं हुआ और जिनके साथ जिनके भी ईमेल मेरे पास आए थे ना उस टाइम सभी की हेल्प कर रही थी। लेकिन भाई कुछ टाइम बाद है ना ऐसा हुआ कि भाई काफ़ी सारे ईमेल्स आने लग गए, अब मैं सबकी तो यार हेल्प नहीं कर सकता, मैं एक और मतलब डेली ऐसे 100-100 ईमेल्स आएंगे तो ऑब्वियसली मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मैंने उस वेबसाइट का लिंक है ना नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन से हटा लिया और एक अलर्ट मैसेज वहाँ पर डाल दिया और एक कमेंट पिन कर दी उसी अलर्ट मैसेज की कि भाई अगर आप इस वेबसाइट से खरीदते हैं तो कीज़ तो यहाँ से मिल रही है, बट कुछ व्यूअर्स की जो कीज़ है ना भाई या तो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उनको डिलीवरी मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, मैंने एक मतलब अलर्ट मैसेज डाल दिया था। अब यार ऑब्वियस आपको हिंट दे दिया तो आपको ऐसे में क्लियरिटी से समझ आना चाहिए भाई, जब मैंने लिंक ही डाल दिया तो आपको देन वो कीज़ जो है ना अपने बलबूते पर खरीदनी चाहिए या फिर इवन खरीदनी नहीं चाहिए। खरीदने के बाद एटलीस्ट यार आपको हम जैसे क्रिएटर्स को है ना ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई हमने क्लियर एक अलर्ट मैसेज डाल दिया है। और भाई इवन मैंने देखा है काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो खुद की अपनी वेबसाइट बना करके कीज सेल कर रहे हैं। अब यार मैं बिना किसी एविडेंस की ये तो नहीं बोलूँगा कि वो फेक कीज़ है, हो सकता है काफ़ी जेन्युइन कीज़ हो, मतलब कीज़ अप्लाई हो जाती हो, उनके पास कोई ऐसा मेथड हो जिसकी वजह से वो 14,000 की कीज़ है ना एकदम 1,000-1,200 रुपये में लेकर के आपको सेल कर पा रहे हो, उसमें अपना थोड़ा मार्जिन भी रख रहे हो।
पता नहीं ऐसा उनके पास क्या मेथड है, बट वो भाई सेल कर रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भाई किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, बस आप खुद समझदार है, मैंने आपको हिंट दे दिया, समझ जाना। और मैं आपको साथ में ये बताना चाहता हूँ, कुछ क्रिएटर्स तो भाई ऐसे हैं जो खुद की वेबसाइट को प्रमोट करते हैं ये बोलकर कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय blank.key.in, बट भाई वो उनकी एक्चुअली में खुद की वेबसाइट होती है। ऐसे ही किसी एक क्रिएटर का मेरे पास मतलब कोई एविडेंस मुझे मिला। और भाई एंड में मैं यही बोलूँगा भाई, जो जिसका ये प्रोडक्ट है ना भाई, उन्हीं को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आम जनता के जो पैसे ना इस तरीके से वेस्ट ना हो। और बस वीडियो को यार मैं यही बोल करके एंड करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते 14,000-12,000 की विंडो की, क्योंकि आप खुद 20,000 का लैपटॉप ही यूज़ कर रहे हैं, तो भाई ऐसे में आप चाहते हैं भाई मुझे तो कुछ भी हो जाए भाई लेनी पड़ेगी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे पायरेटेड यूज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, जो कि इलीगल भी है। तो भाई ऐसे में आप मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करने के बाद भाई DM कर देना। जो मुझे हमारी व्यूअर्स ने बताया ना, उन्होंने किसी किसी वेबसाइट से मतलब जो विंडोज़ कीज़ है वो खरीदी है और अब मुझे अपना फीडबैक दिया, तो उनके फीडबैक से है ना मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ भाई, मैं आपको थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन दे सकता हूँ भाई, इस वेबसाइट में कम रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क है, इस वेबसाइट को काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स ने अप्रोच किया है जो कि जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ यहाँ पर स्कैम वगैरह के इतने ज़्यादा चांसेस होंगे। ऑब्वियसली रिस्क तो सब में रहेगा थोड़ा बहुत, बट आप चाहते हैं कि भाई 1,000 रुपये की को लेकर के अगर वो 4-5 साल भी चल जाती है ना, तो पैसे वसूल हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा बहुत रिकमेंड कर सकता हूँ, बट एट द एंड भाई मैं कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, आपको अपने दम पर ही ना कि खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाई मैं उन भाई साहब को थैंक यू बोलूँगा जिनकी वजह से यार मुझे मतलब पता लग पाया कि मेरे पीछे भाई मेरी वीडियो गलत तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, एट द एंड मेरी गुडविल मार्केट में ख़राब होएगी। तो भाई एक तो इनको मैं ईमेल करके वार्निंग तो दूंगा ही दूंगा, अगर ये इसको हटाते नहीं है ना तो भाई मैं इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ, और आप लोगों के इसमें सपोर्ट की जरूरत मुझे डेफिनेटली पड़ सकती है। तो भाई एक तो है ना इस वीडियो का मतलब अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो डेफिनेटली लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ जितने ज़्यादा हो सकते हैं ना, इवन है ना जो जिन जिन क्रिएटर्स की आप वीडियोज़ देखते हैं ना भाई, उनको इंस्टाग्राम में मतलब इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना, हो सकता है उनको इस स्कैम के बारे में ना पता हो, क्योंकि जो फेक वेबसाइट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा, वो क्या करते हैं भाई क्रिएटर्स को ही मतलब क्रिएटर्स को तो जेन्युइन कीज दे रही हैं आज के टाइम में, और जो ऑडियंस होती है ना उनकी, उनको फेक कीज देना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे में भाई ऑब्वियस है जो कंटेंट क्रिएटर है उसने तो गुड फेट में मतलब उससे जो की है वो ली, और उसे नहीं पता भाई बिहाइंड द सीन वो उनकी ऑडियंस के साथ ही चीट कर रहा है उनके बलबूते पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, बताइए इस स्कैम के बारे में, ताकि हम सब मिलकर के है ना ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है ना जो इतना बड़ा स्कैम कर रही है, उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकें। और हाँ भाई जाने से पहले है ना मैं आपको यार एक सॉल्यूशन और बताना चाहूँगा कि कैसे आप थोड़ी कम प्राइस में विंडोज़ कीज़ खरीद सकते हैं जिसमें रिस्क है ना एकदम ना के बराबर हो। भाई आप क्या कर सकते हैं, अमेजन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर है ना ऑफिशियल वेबसाइट में तो 14,000 की जो रिटेल कीज़ है या OEM कीज़ वगैरह जो भी मिल रही हैं, बट अमेजन पर है ना मैं देखी 4-5,000 में या 6-7,000 में मिल जाती है, तो ऑब्वियस है वो माइक्रोसॉफ्ट से काफ़ी ज़्यादा सस्ते में दे रहे हैं, और अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली सेलर कभी भी है ना इतना इलीगल काम आई थिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई अमेजन वाले सेलर को बहुत जल्दी से आसानी से बैन कर देते हैं अगर थोड़ी बहुत भी कस्टमर्स की ज़्यादा जो है ना कंप्लेंट्स वगैरह आने लग जाती हैं। तो वहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, रिफंड का भी ऑप्शन मिल जाता है अमेजन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। तो भाई इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है ना जो मतलब सेलर्स कुछ अमेजन वगैरह प्लेटफॉर्म पर कीज सेल कर रहे हैं ना विंडोज़ 10 वगैरह की, उनका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्टर वहाँ पर भी, बट वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि आपको अमेजन टीम का सपोर्ट मिल जाता है, आपको रिफंड और रिप्लेसमेंट के ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, थोड़ा कॉस्टली है बट वहाँ पर रिस्क करना काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।